हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस मंच में। चलिए, आपके आईएएस पीसीएस डीएमएसडीएम के सपने को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करते हैं स्पेक्ट्रम का पूरा सार संग्रह विद पीडीएफ। इसी के सीरीज़ में हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह। इसका आज हम पार्ट 3 करेंगे। 2 पार्ट हो चुके हैं पहले, जिसको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 3। बट जो व्यूअर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मेरे चैनल को शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो का लाभ उठा सकें इससे, और उन लोगों को इससे मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अर्चना सिंह आज शुरू करूंगी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्राथमिक विद्रोह जो हुआ था प्रारंभिक, उसका पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग आगे। हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो प्रारंभिक विद्रोह हुआ था, उसमें कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, चैप्टर्स हैं जो हमें आगे लर्न करने हैं, पढ़ने हैं। ब्रिटिश शासन का जो विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह थे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। प्रारंभिक विद्रोह के सामान्य कारण, 1857 के पूर्व के विद्रोह, 1857 के विद्रोह। तो इसमें हमने देखा था सामान्य कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, आधार्मिक कारण, आर्थिक कारण। और फिर हमने देखा था 1857 के पूर्व के विद्रोह कौन कौन से थे, जैसे कि सन्यासी विद्रोह, कूका विद्रोह, सामंतवादी विद्रोह, पांडेगारों का विद्रोह, वेल्लोर के सिपाहियों का विद्रोह, नायक विद्रोह, त्रावणकोर का विद्रोह, बरेली का विद्रोह, अलीगढ़, उड़ीसा के पाइकों का विद्रोह, कित्तूर का विद्रोह। अब हम कित्तूर के विद्रोह के बाद हमने देखा था रामोसियों का विद्रोह। आज हम पढ़ेंगे रामोसिस के विद्रोह के आगे का। तो रामोसिस का विद्रोह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, नेतृत्व किसने किया, इसके बारे में देखेंगे। तो पूना के जो रामोसिस थे, जो कि मराठा योगी ने, ये पुलिस थे, ये अंग्रेजों के जब शासनकाल आया तो उस समय बेगार हो गए थे, मतलब उनको कोई काम नहीं था उनके पास, और उनके पास जो भी ज़मीनें बची थी उस पर अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा लगान बढ़ा दिया था। ऐसे में रामोसिसों ने 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में, ये विद्रोह आरंभ हुआ था 1822 में, और इसका नेतृत्व किया था चित्तूर सिंह ने। और ये 1826 में उमा जी के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ, मतलब कि चित्तूर सिंह के नेतृत्व में तो हुआ ही था ये विद्रोह, लेकिन फिर से जब प्रारंभ हुआ तो 1826 में उमा जी के नेतृत्व में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, और 1829 तक ये विद्रोह चलता रहा, और रामोसिसों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया अंत तक आकर इस विद्रोह के अंतर्गत। नेक्स्ट विद्रोह की बात करेंगे तो ये है अहोम का विद्रोह। अहोम का विद्रोह था कि 1824 में जब वर्मा युद्ध हुआ, तो उसके बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने, और असम के जो अहोम वंश के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने इसे नापसंद किया, जो कि उनका असम अंग्रेजों के अधीन हो गया था इसको, और ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय असम छोड़कर जाने को उन लोगों ने कहा। कंपनी ने नहीं माना। जब वो नहीं माने तो 1828 से 1830 तक गदाधर सिंह के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया, बट ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। गदाधर सिंह को निर्वासित कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया, और 1830 में असामियों ने कुमार रूपचंद, ये 2 चरणों में हुआ था, पहले गदाधर सिंह फिर कुमार रूपचंद के नेतृत्व में विद्रोह किया गया, और ये दूसरा विद्रोह जो कुमार रूपचंद के नेतृत्व में किया गया, ये भी सफल नहीं हो पाया था। तो ये था अहोम विद्रोह। चलिए आगे हम देखेंगे विशाखापट्टनम का विद्रोह। विशाखापट्टनम का जो विद्रोह था, मद्रास प्रेसिडेंटी के अंदर ये आता था विशाखापट्टनम, और इस विद्रोह के जो जिले थे, इसमें बहुत समय समय पर विद्रोह होते रहे, मतलब पहले जैसे कि 1793 से 96 तक, फिर 1821 से 31 तक, फिर 1832 से 34 तक, ये बहुत चरणों में विभाजित हुआ विशाखापट्टनम का विद्रोह। यहाँ पर जो चरणों में विभाजित हुआ, तो नेतृत्व भी समय समय पर लोगों ने संभाला, जैसे कि पालाकोंड के जमींदार विजयराम राजे ने
1793 से 1776 के बीच अंग्रेजों के साथ छिटपुट लड़ाइयाँ लड़ी। वहीं 1821 के बीच फिर से पालाकोंड के जमींदार ने राजस्व वसूली के प्रश्न पर वहां पर विद्रोह कर दिया। उसके बाद 1830 में जब विद्रोह हुआ दोबारा से 1821 वाला, तो 30 में विशाखापट्टनम के जो जमींदार थे वीरभद्र राजे विजय, ये थे जमींदार, इन्होंने पेंशन के सवाल पर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर दिया, विद्रोह किया। और वहीं 1832 और 34 की बात करें तो विशाखापट्टनम के ही एक अन्य जमींदार थे जगन्नाथ राजे, इन्होंने उत्तराधिकार विवाद पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से यहाँ विद्रोह किया, विशाखापट्टनम का विद्रोह। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुर्ग का विद्रोह। कुर्ग का विद्रोह जो हुआ था वो दक्षिण भारत में 1833-34 में कुर्ग वासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई संगठित नागरिक विद्रोह की मिसाल है। मतलब कि 1833-34 में हुआ था और इसे हम नागरिक विद्रोह कह सकते हैं, कुर्ग का विद्रोह। यदि वहाँ का राजा जो था, वीर राजा उसका नाम था, अगर उसने बहादुरी जनता की तरह दिखाई होती तो अंग्रेजों को निर्णायक हार का यहाँ सामना करना पड़ता। उसके बाद 1834 में ये ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया कुर्ग। जब ये वीर जो राजा था वहाँ उसने आत्मसमर्पण कर दिया कुर्ग में, तो कुर्ग को 1834 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था यहाँ। नेक्स्ट विद्रोह की बात करेंगे तो ये है गुमसुर का विद्रोह। गुमसुर का विद्रोह हुआ था 1800 से 1805 के बीच, अगर एक विद्रोह हुआ था गंजाम का विद्रोह, तो जिसका नेतृत्व किया था श्रीकर भंज ने, और उसी के पुत्र थे धनंजय भंज। इन्होंने 1835 में गुमसुर जो विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व प्रदान किया था, जो ये थे श्रीकर भंज के पुत्र धनंजय भंज। और इस गुमसुर विद्रोह का जो आरंभ हुआ था वो 1835 में हुआ था और 1837 तक ये चला था। और जब धनंजय की मृत्यु हो गई उसके बाद भी जनता ने ये विद्रोह जारी रखा था, बट फरवरी 1837 तक अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह से दबा दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहावी विद्रोह की। यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है। वैसे तो भारत में इसका आंदोलन की शुरुआत की थी सैयद अहमद बरेलवी द्वारा, और ये जो आंदोलन शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो इसका लक्ष्य था इस्लाम में सुधार लाना, बट भारत में इसका लक्ष्य अंग्रेजों और शोषक वर्ग के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया। धीरे धीरे इसे अपने लक्ष्य से हट गया ये, और इसका जो प्रमुख केंद्र था बहावी आंदोलन का वो था पटना, बट इसका जो प्रसार था वो पूरे भारत में हो गया था। और 1830 से ये शुरू हुआ था और 1869 तक इसने अंग्रेजी सत्ता को परेशान किया था। और जब 1831 में बरेलवी की मृत्यु हो गई तो बिहार में नेतृत्व संभाला था इनायत अली और विलायत अली ने, और यही बंगाल में इसका नेतृत्व संभाला था तीतू मीर और दूदू मियाँ ने इसका नेतृत्व संभाला। बहावी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है और वन लाइनर में प्री में इसमें MCQs के तौर पे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ये सारे मेन फैक्ट हमने यहाँ क्लियर किए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फराजी आंदोलन की। तो ये आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले में आरंभ हुआ था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम में सुधार करना, बट यह जो आंदोलन था ये बहावी आंदोलन का बिल्कुल विरोधी था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। बंगाल में इसमें अंग्रेजों, ये आंदोलन था, इसने अंग्रेजों के विरुद्ध इसने रुख अपनाया था अपना, और इसके जो नेतृत्व किया था वो किया था शरीयतुल्ला और उसके पुत्र मोहम्मद मोहसिन, जिसे दूदू मियाँ भी कहा जाता है। इन ये जो आंदोलन था फराजी आंदोलन, ये बंगाल के गरीबों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था और बहुत ही प्रभावी रूप से ये आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट विद्रोह की बात करेंगे, वो है संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर का विद्रोह, ये विद्रोह चलाया गया था गोणों द्वारा चलाया गया था, और संबलपुर में उत्तराधिकार के प्रश्न पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप किए जाने पर, क्योंकि गोण एक जनजाति थी और उन लोगों के जो उत्तराधिकारी के नियम कानून थे उस पर अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था, तो उसके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। पहला जो विद्रोह हुआ था वो 1833 में हुआ था और इसे शीघ्र ही दबा दिया गया। नेक्स्ट विद्रोह हुआ 1839 में, सुरेंद्र साई के नेतृत्व में हुआ, और जिसका ये कारण था कि भूमि बंदोबस्त के द्वारा राजस्व में अंग्रेजों द्वारा वृद्धि किया जाना, मतलब कि भू राजस्व में वृद्धि की गई थी यहाँ पर, इसलिए आंदोलन चलाया गया था और काफ़ी लंबे समय तक ये आंदोलन चला।
1857 की क्रांति के समय संबलपुर में सुरेंद्र साई ने फिर से एक मोर्चा संभाला। ये 39 में तो वो थे ही जब 1857 की महान क्रांति हुई, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। उस समय संबलपुर में सुरेंद्र साई ने नेतृत्व संभाला था और विद्रोह किया था। 1862 में सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद से ये विद्रोह यहाँ पर कमजोर पड़ गया था। चलिए आगे बात करते हैं कोलीय विद्रोह की। तो नेक्स्ट है कोलीय विद्रोह। यह है मध्य भारत में दुर्गों के सैनिकों के रूप में काम किया करते थे जो कोलीय जनजाति थी। अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद दुर्ग का महत्व नहीं रहा गया और उनको वहां से हटा दिया गया, सैनिकों को हटा दिया गया दुर्ग से, और वो बेगार हो गए इससे और इधर उधर मतलब विद्रोह करते रहे, अपने हक के लिए लड़ते रहे। 1824 के अंत में पश्चिमी भाट कच्छ के सीमावर्ती भाग में कोलिय द्वारा विद्रोह किया गया और ये 1825 में दबा दिया गया। फिर 1839 में ये पुनः विद्रोह आरंभ हुआ और 1850 तक ये चला विद्रोह। इसके विभिन्न चरणों में विभिन्न नेतृत्वकर्ता थे, जैसे कि विभिन्न चरणों में भाऊसरे, चिमनाजी यादव, नाना दरबारे, रघु भंगरिया, बापू भंगरिया, ये सब विद्रोह के नेतृत्व नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे। और इस विद्रोह को रामोसिसो ने भी, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, उन्होंने भी इस विद्रोह को सहयोग दिया था। चलिए आगे विद्रोह की बात करते हैं। आगे है गडगरी विद्रोह। गडगरी भी मराठा क्षेत्र के दुर्ग में सैनिकों के रूप में, ये सारे आदिवासी मोस्टली हैं जो सैनिकों के रूप में काम करते थे और इनके बदले इन्हें करमुक्त भूमि मिलती थी। बट जब अंग्रेजों का शासन आया तो ये वैसे ही बेगार हो गए और ज़मीनों पर भी इनके कब्जा कर लिया गया। इसके विरोध में 1844 में गडगरियों ने विरोध किया। इसके प्रमुख केंद्र थे वो था सामानगढ़ और कोल्हापुर, दो प्रमुख केंद्र थे। और इसका जो प्रमुख नेता थे वो थे बाबाजी अहिरेकर, इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज का आखिरी विद्रोह, बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह हुआ था 1844-43 में शुरू हुआ और 43 तक आते आते इसे दबा दिया गया। जब 1835 में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी प्रांत नामक एक नया प्रांत बनाया, बुंदेला मेनली हम यहाँ बात करेंगे मध्य प्रदेश के हिस्से की, जिसमें मराठों से छीने गए आधुनिक जो मध्य प्रदेश था इसके दो जिले सागर और दमोह को इसमें मिलाया गया था। तो इसका जो कारण था वो था बर्ड कमीशन का प्रतिवेदन हुआ था और उसमें इसने महलवारी बंदोबस्त इस जगह पर लागू किया था, जिसमें 20 वर्ष के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दरों पर किया गया था। इससे यहाँ के जमींदार नाराज हो गए और जब उनसे लगान जबरदस्ती वसूल किया जाने लगा तो सागर के दो जमींदार जिन्होंने नेतृत्व किया इस आंदोलन का, जवाहर सिंह और मधुकर शाह द्वारा यहाँ विद्रोह किया गया। 1842 में ये विद्रोह शुरू हुआ था और 1843 आते आते इस पर पूरा काबू पा लिया गया था और लगान भी कम कर दिया गया इस विद्रोह पे। तो आज यहीं ख़त्म होते हैं ये विद्रोह, गडकरी विद्रोह, बुंदेला विद्रोह। आज ये पूरे विद्रोह ख़त्म होते हैं जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाए गए थे 1857 से पहले। 1857 के बाद भी कई विद्रोह चलाए गए हैं, उस पे ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे अब कि 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था, रिजल्ट क्या था। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं और क्या आप देखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।